हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का स्वागत है सूरज पटेल एजुकेशन चैनल में, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। गाइस, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है दिवाली के वजह से, और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है गाइस, मेरे चैनल का नाम हो चुका है सूरज पटेल एजुकेशन। जैसे ही आप यूट्यूब पर डालोगे, मेरा चैनल सबसे पहले आ जाएगा। तो गाइस, आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। आज का लेक्चर भी हमारा जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज थे। गाइस, आपको पता होगा कि मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है, पहले ही, जो मेरे इस आई बटन में आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो के खत्म होने के बाद डिस्प्ले पे भी आ जाएगा। तो गाइस, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना, अदरवाइज समझेगा नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है, जैसे कि ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन साथ ही साथ ये वाला भी पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये दो सीट आप उधर से देख लीजिए, एंड तीसरा हम इधर से चालू करते हैं गाइस आज का वीडियो। तो चलिए गाइस, तो जैसे कि गाइस हमने देखा था ड्रॉवर ड्रॉवी का, बिल ओनर होने का क्या, डिसओनर होने का। तो अभी जैसे कि मैंने आपको चार केस बताया हुआ था। फर्स्ट केस की बिल हमारे पास रह जाता है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, जैसे कि सेल्फ के पास बिल रह गया। दूसरा क्या कंडीशन था, हमने डिस्काउंट कर दिया, मतलब बैंक में भेज दिया। तीसरा क्या कंडीशन था, हमने इंडोसी लेके आ गया, मतलब कोई थर्ड पर्सन लेके आ गया। छोटा का ऑप्शन था कि हमने अपना बिल बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दिया हुआ है, सॉरी। तो गाइस, पहले केस में कि अगर बिल होनर हो गया, बिल होनर हो गया मतलब कि सामने वाले ने पैसा दे दिया, क्या दे दिया, कैश दे दिया और बदले में बिल ले लिया, उसे बोलते बिल ओनर, ठीक है गाइस। तो अगर हमारे पास बिल है, क्या है, रिटर्न ऑफ ओनर, मतलब बिल हमारे पास है और सामने वाला पैसा दे रहा है, मतलब मैं इधर सब दो पर्सन बना दे रहा हूं, ये हम, मतलब जिसे हम बोल रहे ड्रॉवर, और ये सामने वाला जिसे हम बोल रहे ड्रॉई, ठीक है गाइस। मतलब सामने वाले ने ओनर कर दिया, मतलब कि सामने वाले ने हमें क्या दे दिया, कैश दे दिया। अच्छा, सामने वाला ऐसी कैश नहीं देगा, वो बोलेगा कि सर आपने मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया हुआ है, पहले हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दीजिए, बिकॉज उसके ऊपर हमारा साइन है, सिग्नेचर है। तो फिर ड्रॉवर क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है सर, कि हम आपको आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं। तो देखिए, ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा, ड्रॉवर अपने बुक में क्या एंट्री मारेगा, देखिए ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, जैसा कि मैंने स्लोगन बताया था, उसको बोलने का तरीका भी बताया था, जिससे हमें बहुत कुछ एंट्री खुद ब खुद आ जाएगी। स्लोगन क्या था, जो आ रहा है उसको डेबिट कर, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। मुझे ये स्लोगन बोलने बड़ा मजा आता है। तो देखिए, ड्रॉवर की तरफ से क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, ड्रॉवर के तरफ से, ये जो ड्रॉवर है इसके तरफ से देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जा रहा है, बदले में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो एंट्री क्या मारेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा अच्छा, चलो रोवर के बुक में जाके देख, चेक करते हैं रोवर क्या कर रहा है। रोवर पेमेंट कर रहा है, उसके पास कैश आ रहा है, मतलब ये, सॉरी, ड्रोवी 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 पेमेंट कर रहा है, उसके पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, भाई जा रहा है, कैश जा रहा है, तो उसको क्रेडिट कर, क्या आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल आ रहा है ड्रोवर के तरफ, ठीक है, ड्रोवर दे रहा है ड्रोवी को। तो ड्रॉवी तो बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखता, वो तो बिल्स पे करने वाला है, इसके लिए क्या लिखता है, बिल्स पेएबल। तो उसके पास बिल्स आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहा है, वो सामने वाले को कैश दे रहा है, तो टू कैश एंड बैंक। गाइस समझ में आया फर्स्ट एंट्री आपको, देखिए ड्रॉवर ने अपने बुक में क्या मारा, उसके पास कैश आया और बिल्स गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी ने क्या किया, बिल्स पे किया है, बदले में कैश गया है, तो उसका बिल्स आया हुआ है, तो उसने क्या लिखा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश गया, टू कैश एंड बैंक। देन सेकेंड एंट्री क्या, अगर हमने बिल डिस्काउंट किया, अच्छा बिल डिस्काउंट मतलब क्या होता है, हमने बैंक में जाके अपना जो बिल्स था, जो ड्रॉवर था, वो अपना बिल क्या कर दिया, बेच दिया, क्या कर दिया, बैंक में जाके बेच दिया। अच्छा, ड्रॉवर ने अगर बिल बैंक में बेच दिया, तो अभी ड्रॉवर का कुछ लेना देना है इधर, नहीं लेना देना है। दो महीने के बाद या तीन महीने के बाद कौन जाएगा ड्रॉवी के पास, बैंक जाएगा, भाई तीन महीना हो गया मुझे पैसा दे दे। तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा, नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉवर का तो लेना देना ही नहीं है, ये इसको ड्रॉवी के पास नहीं, ये तो बिल्स ऑफ एक्शन अब किसके पास है, बैंक के पास है, बैंक जाएगा तभी देगा, ये ड्रॉवी जाएगा तो नहीं देगा, भाई तेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, नहीं है, तो मैं तुझे पैसा भी नहीं दूंगा। तो ये ड्रॉवर का तो लेना देना नहीं है, ये बैंक और ड्रॉवी का लेना देना है, तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री नहीं मारेगा।
अच्छा ड्रोवी एंट्री क्या मारेगा भाई, ड्रोवी को तो पैसा देना है, या ड्रोवर आ जाए या बैंक आ जाए, जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सेस होगा ड्रोवी उसको पैसा दे देगा। वो एंट्री क्या मारेगा, वो एंट्री सेम मारेगा जो ऊपर मारा था, उसको तो कैश देना है बदले में बिल लेना है, तो बिल रिसीवेबल नहीं लिखता है, वो बिल्स पेबल लिखता है, बिकॉज उस बिल्स को पे करने वाला है वो। तो क्या एंट्री मारेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उसके तरफ से तो कैश जाएगा, कोई भी आ जाओ मेरे को बदले में कैश ही देना है। चलो दूसरा एंट्री समझ में आ गया। अच्छा तीसरा एंट्री इंडोसी, ठीक है, मतलब ये ड्रोवी, मैं फिर से बना दे रहा हूं, ये ड्रोवी सॉरी ड्रोवर, हाँ, और ये ड्रोवी, ठीक है, तीसरा पर्सन आ गया जिसे हम बोलते हैं इंडोसी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इंडोसी। ड्रोवी को, इंडोसी को पैसा देना था समझो 10,000, उसने बदले में क्या कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया 10,000 का, ठीक है। इंडोसी को क्या कर दिया ड्रोवर ने, 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि भाई 3 महीने के बाद चले जाना ड्रोवी के पास और उससे बदले में 10,000 ले लेना, मेरे पास अभी कैश नहीं, मेरे पास बिल्स था तो मैं तुझे बिल्स दे देता हूँ। तो इंडोसी ये बात को मान लेता है और बदले में क्या लेता है, बिल्स ले लेता है। अच्छा 3 महीने के बाद जब ओनर हो गया, बिल ओनर हो गया, मतलब 3 महीने के बाद जाऊंगा तभी तो ओनर होगा ना, 3 महीने के बाद ही वो पैसा देगा, उसके पहले थोड़ी ना देगा, और पैसा देगा तभी ओनर होगा। तो 3 महीने के बाद ड्रोव जो ये आता है इंडोसी, ये ड्रोवी ड्रोवर ड्रोवी के पास जाता है कि भाई 3 महीना हो गया, बदले में पैसा दे दो। तो मुझे बताओ ना रिलेशन किसके किसके बीच में, इंडोसी और ड्रोवी के बीच में, ड्रोवर का लेना देना आया क्या, नहीं आया। तो ड्रोवर अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा, नो एंट्री फ्रेंड्स, कुछ एंट्री नहीं मारेगा, क्योंकि उसका लेना देना नहीं, लेना देना किसका, इंडोसी एंड ड्रोवर की बीच, ड्रोवी के बीच में, ड्रोवर का कुछ लेना देना नहीं, तो अपने बुक में नहीं मारेगा। अच्छा ड्रोवी क्या मारेगा, ड्रोवी तो एक ही एंट्री मारेगा, भाई तू आ जाए या तेरे बिहाफ पे कोई भी आ जाए, मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेना है, बदले में कैश देना है, कैश देना है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बिल्स आ रहा है, कैश जा रहा है, तो बिल्स आ रहा है तो इसके लिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट। ये बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखेगा गाइस, याद रखना ये बिल्स पेबल लिखेगा, क्योंकि इसको बिल्स पे करना रहता है, ड्रोवर को बिल्स आता है उसको रिसीव होता है, इसके लिए बिल रिसीव लिखता है और ये बिल्स पेबल लिखता है, ठीक है गाइस। 3 एंट्री समझ में आ गया। लास्ट एंट्री है गाइस, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बैंक कलेक्शन के लिए बिल दिया हुआ था, बिल बेचा नहीं था गाइस, याद रखना बिल बेचा नहीं था, बैंक को कलेक्शन के लिए दिया हुआ था, बैंक जाएगा, ठीक है। अभी तो देखिए ये ड्रोवी हो गया, ड्रोवर हो गया और ये ड्रोवी हो गया, ठीक है, और ये अपना बैंक हो गया। ड्रोवर ने बैंक को दिया हुआ था बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि भाई 3 महीने के बाद जाएगा तो इससे पैसा लेके लेके आ जाना, ये बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड की थी अपने ड्रोवर को, ठीक है, ड्रोवर को फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। 3 महीना हुआ, बैंक गया ड्रोवी के पास कि मिस्टर ड्रोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लीजिए, बदले में हमें कैश दीजिए। ड्रोवी ने बिल ओनर कर दिया, क्या कर दिया, ओनर कर दिया, तो उसने कैश बैंक को दे दिया। बैंक आएगा, बैंक जो ड्रोवर है उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट में पैसा बैंक के ट्रांसफर कर देगा, मतलब ड्रोवर को पैसा आएगा, बैंक से पैसा आएगा, तो क्या आ रहा है, बैंक से पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जाए लिखेंगे, किसके लिए दिया हुआ था बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, लेकिन बदले में बैंक कुछ चार्जेस भी लेगा, तो चार्जेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल है, नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, एक बैंक चार्जेस एक्सपेंस है ना, इसके लिए उसको डेबिट किया, क्योंकि नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक से पैसा आया तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हमने बिल को बेचा नहीं था, बैंक कलेक्शन के लिए दिया हुआ था। अच्छा चलो ड्रोवी क्या एंट्री मारेगा, ड्रोवी तो एक ही एंट्री मारेगा, भाई तू आया तेरे बिहाफ पे कोई भी आया, मेरा तो एक ही एंट्री है, क्या एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आई होप कि गाइस आपको ये चारों एंट्री समझ में आई होगी, बहुत सिंपल एंट्री है, फर्स्ट खुद के पास था तो पैसा आ रहा था तो बैंक कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रोवर की बात कर लेते भाई, बिल को बेच दिया तो अभी एंट्री क्या मारूं, नो एंट्री। इंडोसी क्या, तीसरे पर्सन को बिल दे दिया, मेरे से तो कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा बैंक कलेक्शन के लिए दिया था मतलब उससे पैसा आने वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। गाइस मैं एक ऐसा रिविजन कर दिया हूँ ये चारों का,
अब चलो ड्रोवी देखते हैं। ड्रोवी बोलता, भाई तू आए तेरे बिहाफ पे कोई, मेरे को तो पैसा देने का है और मेरे पास बिल्स आएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बिल ओनर हो गया, चारों की एंट्री कोई भी कैश हो सेम ही है। ठीक है गाइस, एकदम सिंपल लॉजिक में मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया, देन ऐसा रिविजन जैसा ले लिया। ठीक है गाइस, समझ में आ गया चारों एंट्री। अगर आपको पहले का वीडियो नहीं देखा है तो फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले जाके वो वीडियो देखिए मेरे चैनल पे, और आप अगर यूट्यूब पे सिर्फ लिखोगे सूरज पटेल एजुकेशन, मेरा चैनल आ जाएगा और उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। ठीक है, या तो ये आई बटन में भी मिल जाएगा और मेरा वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं गाइस। बिल्स ओनर हुआ तो आपको समझ में आ गया, बिल्स अगर डिजोनर हुआ मतलब बिल्स ओनर नहीं हुआ, बिल्स डिजोनर हुआ मतलब जो केस आने वाला था, वही चारों केस में जो केस आने वाला था वो केस नहीं आया, सामने वाले पार्टी ने मतलब ड्रॉवी ने केस नहीं दिया, तो एंट्री क्या मानेंगे? फर्स्ट रिटेन बिल मतलब खुद के पास है, तो अगर खुद के पास बिल ओनर होता, मैं डिजोनर की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, बिल ओनर होता तो हम एंट्री क्या मार रहे थे? केस आ रहा था, बिल जा रहा था, तो केस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री मार रहे थे। केस आया क्या? बिल डिजोनर हो गया। केस आया क्या? नहीं आया। अच्छा, किससे आने वाला था? ड्रोवी से आने वाला था, तो हमने क्या किया? ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब केस के जगह हमने क्या लिख दिया फ्रेंड्स? ड्रोवी लिख दिया। ये चारों एंट्री में जो हम केस लिख रहे थे, केस के जगह हम क्या लिखेंगे? ड्रोवी लिखेंगे। और जो डिस्काउंट कर दिया था और इंडोर्स कर दिया था उसमें नो एंट्री था, लेकिन इस बार ड्रोवर के बुक में एंट्री आएगा। चलो, ड्रोवर का फर्स्ट एंट्री समझ में आ गया कि उसको केस आया नहीं है, किससे आने वाला? ड्रोवी से। ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल डिज ओनर के केस में। अच्छा, डिज ओनर के केस में ड्रोवी एंट्री क्या मारेगा? भाई उसको तो बिल्स, उसने ओनर में क्या मार रहा था? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू केस, क्योंकि वो केस दे रहा था। अभी बिल डिज ओनर हुआ है, मतलब उसने केस दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो वो केस तो मार ही नहीं सकता। अच्छा, केस देने का है ना, किसको देने का है? ड्रोवर को देने का है, तो एंट्री क्या मारेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, मतलब केस के जगह उसने क्या कर दिया? ड्रोवर का नाम। दोनों लॉजिक सेम जगह अप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स। ओनर में केस आ रहा था, ठीक है, डिज ओनर में सामने वाले का नाम आ रहा है, बाकी सब चीज सेम रहेगा। समझा गाइस? फर्स्ट एंट्री। सेकंड, बिल डिज ओनर, ठीक है, डिस्काउंटेड बिल डिज ओनर, मतलब हमने जो बैंक को दिया था ना, देखिए ओनर में तो एंट्री नहीं मार रहे थे क्योंकि बैंक जाके पैसा ले ले रहा था। अभी डिज ओनर में बैंक जाके पैसा लेगा और बैंक को पैसा नहीं मिला तो वो तो आप ही का गला पकड़ेगा, मतलब ड्रोवर का ही गला पकड़ेगा कि भाई पैसा तो नहीं मिला, तू अब मेरे को पैसा दे। तो ड्रोवर अब एंट्री क्या मारेगा? ड्रोवर को किससे पैसा आने वाला था? ड्रोवी से। और किसको देना था? बैंक को देना था, तो उसने एंट्री मार दिया ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि ड्रोवर से पैसा आएगा और मेरे से पैसा जाएगा किसको? बैंक को। तो जो आ रहा है और जो जा रहा है, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, ड्रोवी क्या मारेगा अपने बुक में एंट्री? ड्रोवी तो बोलेगा, देख भाई मुझे तो पेमेंट करना है, तो मैंने पेमेंट नहीं किया है, बिल डिजोनर कर दिया है, कैश नहीं दिया है, तो वो एंट्री मारेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी। कैश दिया होता तो वो इधर टू कैश लिख देता, ड्रोवी नहीं लिखता अगर ओनर होता तो। ये डिजोनर हुआ है तो कैश नहीं लिखेगा, वो ड्रोवी लिखेगा जिसको वो पैसा देने वाला, सॉरी ड्रोवर लिखेगा जिसको वो पैसा देने वाला। अच्छा, बिल इंडोर्स हो गया था, मतलब कोई थर्ड पर्सन आया था, जैसे कि मैंने इधर आपको डायग्राम फिर से बता दे रहा हूँ, ये हम हो गए जिसे हम ड्रोवर बोल रहे हैं, ये ड्रोवी हो गया, ठीक है, और ये कौन हो गया? थर्ड पर्सन, कि भाई ड्रोवर ने 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था कि 3 महीने के बाद ड्रोवी के पास चले जाना और बदले में तुझे 10,000 दे देगा और उसको तू बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देना। ये 3 महीने के बाद गया जरूर, लेकिन ड्रोवर ने क्या किया? कैश देने के जगह उसने कैश नहीं किया, बिल्स डिजोनर कर दिया, बिल कैंसल हो गया, मतलब डिजोनर हो गया। तब ये जो है किससे पैसा लेने वाला था? ड्रोवर से ना, बोलेगा भाई ड्रोवी ने पैसा नहीं दिया, अब तू ही मेरे को पैसा दे। तब ये क्या बोलेगा? ठीक है मैं पैसा देता हूँ। तो ये पैसा किससे लेगा? ये तो भाई पैसा किससे लेगा? भाई ड्रोवी तेरा पैसा आना बाकी था 10,000, तूने बिल भी डिजोनर कर दिया, चल मुझे पैसा दे दे, मुझे क्या दे दे? कैश दे दे। तो ड्रोवर अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा? ड्रोवी से पैसा आने वाला है, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू इंडोसी, मतलब इंडोसी को देना भी है, ठीक है। चलो, तो एंट्री क्या आया? ड्रोवर, ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू इंडोसी। अच्छा, ड्रोवी अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा? उसको तो बिल्स पे करना है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, ठीक है, उसको ड्रोवर को पैसा देना है।
देन बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन के समय एंट्री क्या मारेंगे, बिल डिजोनर हो गया, अगर होनर होता तो केस आता, ठीक है, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता, लेकिन केस आया ही नहीं है, तो किससे आने वाला है, ड्रोवी से आने वाला है, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन जिसके लिए दिया था। अच्छा, ड्रोवी अपने बुक में क्या मारेगा, वही वही एंट्री मारेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर। चलो एक रिविजन हो जाए चारों एंट्री का, एकदम सिंपल मैं बताता हूं। देखिए, जहां जहां केस आने वाला था वहां वहां क्या आ गया, ड्रोवी आ गया, क्या आ गया, ड्रोवी आ गया। अच्छा, अब जो जो केस होगा उसका नाम, ये क्या था, खुद के पास बिल था तो बिल रिसीवेबल, इधर बिल डिजोनर होने वाला था मतलब बैंक से रिलेटेड था, ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया। अच्छा, ये इंडोसी था, इधर थर्ड पर्सन था, तो मैंने केस की जगह क्या बोला, ड्रोवी लिखना है, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू इंडोसी जो केस था, ठीक है, केस था इंडोसी, तो इंडोसी लिख दिया। अच्छा, इधर क्या था, बैंक कलेक्शन के लिए था, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बिल बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब ड्रोवी के साथ बिल डिजोनर हुआ तो ड्रोवर अपने बुक में ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू जो भी केस रहेगा वो मारेगा। अच्छा, बिल डिजोनर हुआ तो कोई भी केस हो, ड्रोवी अपने बुक में तो भाई एक ही एंट्री मारने वाला है, क्या भाई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, ठीक है, समझा गाइस। चलो हम आगे का एंट्री देखते हैं। गाइस, अगर बिल डिजोनर होता है तो हमें सामने वाले को नोटिस चार्जेस भी पे करना होता है, तो चलिए हम उसकी भी एंट्री देखते हैं। पेड बाय ड्रोवर, ठीक है, तो एंट्री क्या मारेगा, ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है गाइस, एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू कैश, और इधर क्या हो जाएगा, पेड बाय ड्रोवर, नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, ठीक है गाइस, समझा, नोटिस चार्जेस एक्सपेंस है तो नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर। अच्छा, पेड बाय बैंक, अगर बैंक ने पेड किया हो तो नोटिस चार्जेस, तो ड्रोवी ड्रोवर अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा, भाई ड्रोवी से तो पैसा लेने ही वाला है नोटिस चार्जेस, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू किसको देने वाला है, फिर बैंक को, क्योंकि बैंक ने पे किया हुआ है तो बैंक को देना भी तो है और ड्रोवी से लेना भी है क्योंकि उसने बिल डिजोनर किया हुआ है, तो उससे ही मैं नोटिस चार्जेस लूंगा, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, ड्रोवी क्या मारेगा भाई, उसको तो नोटिस चार्जेस पे करना है, तो जा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, और मेरे को ड्रोवी को देना है, मैं तो किसी और पर्सन ड्रोवर को ही दूंगा, सॉरी ड्रोवर को ही दूंगा, तो मैं ड्रोवर का नाम, नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर। एंड पेड बाय इंडोसी, जो थर्ड पर्सन आया था, अगर उसने पे किया हो तो वो तो बोले ड्रोवी अपने ड्रोवर अपने बुक में क्या एंट्री मारा, भाई मैं तो ड्रोवी से लूंगा और बदले में तुझे दूंगा, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू इंडोसी, समझा गाइस, जिससे आ रहा है उसको डेबिट कर, जिसको जा रहा है उसको क्रेडिट कर, ये लॉजिक है, तो जिससे आ रहा है किससे आएगा, ड्रोवी से आएगा, भाई ड्रोवी ही देगा नोटिस चार्जेस, और ये लेके किसको दे देगा, थर्ड पर्सन को दे देगा, ठीक है। अच्छा, ड्रोवी अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा भाई, उसका तो एंट्री एक ही रहने वाला है, नोटिस चार्जेस उसको पे करना है, तो नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, ठीक है गाइस, नोटिस चार्जेस का आपको समझ में आ गया, मैं रिविजन लेने वाला, दो मिनट दे दो, ये नीचे वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर रिटर्न बिल हो गया, ठीक है, क्या हो गया गाइस, रिटर्न बिल हो गया तो एंट्री क्या मारेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रिबेट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, रिटर्न मतलब होता क्या, पहले तो आपको यही बता दो, तो रिटर्न मतलब कि सामने वाला 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट करने वाला है और बिल लेने वाला है, सामने वाले के पास पैसा 2 महीने में ही आ गया और उसने मुझे 2 महीने में ही बिल दे दिया, उसका कैश दे दिया, ठीक है, जो अमाउंट था वो दे दिया, भाई 3 महीने में देने वाला था 2 महीने में दे दिया, तो हम बोलते भाई तूने जल्दी दे दिया मुझे बिल, पहले रिटायरमेंट कर दिया उस बिल का, तो एक काम करता हूँ मेरे तरफ से कुछ पैसा मैं तुझे रिबेट में दे देता हूँ, समझो कि सामने वाले से मुझे कितना आने वाला था, 10,000 आने वाला था, ठीक है, मैंने उसे क्या बोला, एक मिनट इधर रफ कर देता हूँ तो आपको समझेगा, हाँ समझो कि मुझे बिल्स कितने का था, सामने वाले से पैसा लेने का था 10,000 का पैसा लेने का था, ठीक है, कितने का लेने का था, 10,000, उसने मुझे पहले ही बिल दे दिया तो मैं खुश हो गया, मैं बोला भाई एक काम कर मेरे तरफ से 1,000 का रिबेट रख, मुझे तू कितना दे, सिर्फ 9,000 दे, मतलब खुश हो जाते हैं, रिबेट हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले ने रिटायरमेंट कर दिया, पहले डेट ऑफ से कर दिया, तो एंट्री क्या मारेंगे, केस आने वाला सामने वाले से, तो केस अकाउंट डेबिट, रिबेट मैंने दिया, ठीक है, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल बोलता है, तो रिबेट को भी डेबिट कर दिया टू बिल्स रिसीवेबल, हमको बिल्स देना पड़ेगा तभी तो मुझे पैसा देगा, तो बिल्स जाएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट बिल्स, रिबेट अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल। अच्छा रवि क्या मारेगा उसको, तो भाई बदले में बिल्स लेना है, कैश देना है और रिबेट उसको मिल रहा है तो उसके लिए फायदा है। तो एंट्री एक ही मारेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू रिबेट। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। चलो एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। देखिए इन नोटिस चार्जेस पे करना है, जो भी पे करना है ऊपर तो लेंगे किससे, ड्रोवी से लेने वाले हैं तो ऊपर तो ड्रोवी हमेशा डेबिट रहेगा। अच्छा अब जो जो कैश है खुद के पास है तो कैश आएगा, मतलब कैश देना रहेगा। बैंक दे रहा है तो टू बैंक, इंडोसी दे रहा है तो इंडोसी। अच्छा ड्रोवी अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा, वो तो एक ही एंट्री मारने वाला है, नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, वो तो एक ही एंट्री मारा है। अच्छा बिल रिबेट हो गया, मतलब सामने वाले से पैसा आ गया, वो भी जल्दी आ गया, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, और रिबेट हम दे रहे हैं तो रिबेट को डेबिट कर दिया। इधर हमें रिबेट मिलेगा ड्रोवर ड्रोवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, तो इनकम है नॉमिनल, क्या बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट कर दिया है। ठीक है उसको तो पैसा पे करना है, तो पैसा जाने वाला है, बिल्स आने वाला है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू रिबेट। कैसे समझ में आ गया, कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी गाइस। ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं। बिल को रिन्यू किया, ठीक है मतलब बिल डिसओनर हो गया था, सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया, समझो कि उसको 3 महीने के आज, एक एग्जांपल देते कि ड्रोवर है, ड्रोवर और ये ड्रोवी, ठीक है 3 महीने के बाद ड्रोवर गया कि भाई मुझे बिल दे दे, बिल इसने क्या कर दिया डिसओनर कर दिया, मतलब कैश दिया ही नहीं, कैश दिया ही नहीं, तो भाई वो बिल डिसओनर हो गया, 3 महीने का उसमें जो डेट लिखा हुआ था चला गया। मैंने क्या किया, फिर से एक न्यू बिल बनाया, क्या बनाया फिर से न्यू बिल बनाया, उसे बोलते रिन्यूअल ऑफ बिल, मतलब नया बिल बना रहे हैं। तो क्या क्या होता है देखिए, डिसओनर हुआ था बिल, ठीक है बिल डिसओनर हुआ तो सेम एंट्री, डिसओनर हुआ सामने वाले से पैसा नहीं आया है, बदले में मेरे घर का होनर होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल होता, नहीं आया तो किससे आने वाला है, ड्रोवी से आने वाला है ड्रोवर को, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, सेम एंट्री जो हमने डिसओनर के लिए मारा था, सेम एंट्री। ठीक है ड्रोवी क्या मारेगा, वही सेम एंट्री, बिल रिसीव सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू किसको पैसा देना है, ड्रोवर को, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर। ठीक है गाइस समझा, बिल रिन्यू करेंगे तब, ठीक है देन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, भाई बिल तुमने कैंसिल करा दिया अब तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ड्रोवर किससे इंटरेस्ट लेगा, ड्रोवी से ही लेगा ना, तो ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा ड्रोवी अपने बुक में इंटरेस्ट, वो एंट्री क्या मारेगा, भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसके लिए, तो इधर देखिए इधर ड्रोवर के बुक में इंटरेस्ट इनकम था तो उसने क्या कर दिया क्रेडिट में दिखा दिया नॉमिनल के रूप से, इधर एक्सपेंस है वो तो इधर वो डेबिट दिख रहा है, तो ड्रोवी अपने बुक में क्या मारेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, ड्रोवर को देना है, टू ड्रोवर। ठीक है गाइस सिर्फ वीडियो देखिए मत, साथ ही साथ लिखते रही रहिए गाइस, और मैंने बहुत सिंपल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री बनाया, आपको तुरंत याद हो जाएगा अगर आपने लिख के रखा और 2 बार सिर्फ रीड कर लो, आपको मेजोरिटी चीज याद हो जाएगी गाइस आपके एग्जाम के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस। चलो अगर कैश पेड बाय ड्रोवर, अगर ड्रोवी सॉरी कैश पे किया तो एंटी क्या मारेगी, अपने पास कैश आ रहा है ड्रोवी अपने को पे कर रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी। ठीक है अच्छा ड्रोवी क्या मारेगा, भाई ड्रोवर को दे रहा है तो ड्रोवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि कैश उसके तरफ से जा रहा है। अच्छा न्यू बिल ड्रो कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया न्यू बिल बना दिया, तो एंटी क्या मारेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी। अच्छा सर बिल्स रिसीवेबल के ऊपर आ गया, चलो फिर समझा देता हूं आपको। ठीक है ये ड्रोवर ड्रोवी, ड्रोवर ने और ये ड्रोवी बिल बनाया, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी जब तक ये बिल ड्रोवी के पास चला नहीं जाता और उसके ऊपर साइन कर नहीं देता, और ड्रोवी साइन करने के बाद किसको देगा, ड्रोवर के पास देगा, तो ड्रोवर के पास क्या आया बिल्स रिसीवेबल आया, न्यू बिल बना तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे आया, ड्रोवी से आया, तो उसको ड्रोवी को क्रेडिट कर दिया, और ड्रोवी तो पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बाय क्रेडिट किया ना इसने बिल दिया तो इसके लिए उसको क्रेडिट किया क्योंकि ही इज अ गिवर। तो एंट्री समझ में आई गई गाइस, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी। अच्छा ड्रोवी क्या एंट्री मारेगा, बाय उसको तो बिल्स आ रहा है, उसने बिल एक्सेप्ट किया है, किससे एक्सेप्ट किया है ड्रोवर से, तो ड्रोवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि उससे बिल्स जाने वाला है ड्रोवी के पास। समझा गाइस, एंट्री समझ में आ गई होगी, होप आई थिंक इसके लिए रिवीजन की जरूरत नहीं है,
ठीक है, एक बार देख लेना आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, जो लास्ट साइड पेज हो एकदम। हाँ गाइस, ये लास्ट पेज है, थोड़ा शायद वीडियो लेंदी हो गया होगा, कितना मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया होगा, सॉरी गाइस, ये लेकिन लास्ट स्लाइड है, इसके बाद वीडियो नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, दो पार्ट में खत्म हो गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। बिल डिसओनर हो गया, ठीक है, मतलब ये इंसॉल्वेंट ऑफ ड्रॉवी। इंसॉल्वेंट ऑफ ड्रॉवी का मतलब क्या होता है पता है? जो ड्रॉवी है जिससे अपने को पैसा आने वाला था, कैश आने वाला था, बेचारा भिखारी बन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, गरीब हो गया, वो हमारा पैसा दे ही नहीं पा रहा है। तब उस केस में एंट्री क्या, मतलब 10,000 आने वाला था, उसे 10,000 आ ही नहीं रहा, बिकॉज वो भिखारी हो गया, पैसा है ही नहीं, तब हम एंट्री क्या मारेंगे? देखो पैसा है नहीं तो बिल होनर हो सकता है क्या? होनर तो होगा ही नहीं, होनर होना मतलब केस आएगा, और इसके पास तो बेचारे केस है ही नहीं, मतलब वो बिल क्या हो गया होगा? डिसओनर हो गया होगा। क्या हो गया होगा? डिसओनर। और डिसओनर की एंट्री वही जो हम मार रहे थे, क्या मार रहे थे? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है, यही एंट्री मार रहे थे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो वही एंट्री मारेंगे। ठीक है, अच्छा, ड्रॉवी अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा? ड्रॉवी को देखो बिल्स पे करना था, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, जो सेम एंट्री हमने डिसओनर का मारे थे वही इंसॉल्वेंट में मारने का है। इंसॉल्वेंट में पहले तो डिसओनर, क्योंकि भिखारी हो गया तो इसके लिए डिसओनर माने, अब सेकेंड एंट्री क्या मारेंगे? भाई सामने वाले का पर्सनल, मतलब ये पैसा नहीं दे रहा था ना ड्रोवी, हमने इसके घर में या इसका कोई भी चीज होगा उसको बेच के, जो उसका असेट हो, बेच के कुछ पैसा कैश मिल गया और कुछ नहीं मिला। जो पैसा मिल गया हम उसको क्या करेंगे? कैश बैंक कर देंगे, और जो नहीं मिला वो मेरे लिए क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। ड्रोवर के लिए क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। तो एंट्री देखते हम क्या किया, रिकवर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम ड्रोवी, मतलब कुछ उसका चीज बेच के, उसके कुछ असेट बेच के, बिजनेस के हमने कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए, तो कुछ पैसे आ गए, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी, क्योंकि उससे आने वाले, लेकिन बीच में जो पैसे नहीं आए उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट, पैसे डूब गए। तो पूरा एंट्री कैसे मारेंगे अपन? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी। अच्छा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि बैड डेट्स एक्सपेंस है, नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई गाइस? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रोवी। अच्छा, ड्रोवी अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा? ड्रोवी को देखो पैसा तो पे करना है, मतलब कैश तो जाने वाला है, तो किसको देने वाला है? ड्रोवर को। अच्छा, गलती से इधर गाइस ड्रोवी हो गया, ये ड्रोवी नहीं, ये ड्रोवर है, ठीक है गाइस, इसको ड्रोवर कर देना, ठीक है, ये ड्रोवी नहीं है गाइस, ठीक है, ड्रोवर कर देना गाइस, गलती से हो गया होगा, सॉरी, ठीक है, इसको ड्रोवर कर देना। तो ड्रोवर अकाउंट, क्योंकि ड्रोवर को पे करने वाला है, तो ड्रोवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि कैश बैंक जाने वाला है, और टू डिफिशियंसी, क्योंकि उसका जो पर्सनल चीज है उसको भी बेच के सामने वालों ने पैसा लिया है। तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा है क्या है। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, एंड गाइस प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, देख के चले मत जाइए, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, ठीक है, देख के चले मत जाइए, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा है तो भाई डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा। और जिस फ्रेंड को ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज आप उस फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच भाइयों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।